हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? और वेलकम टू रजनीश कपूरिया व्लॉग्स। और सभी को भाई जय श्री राम। और भाई आज के अपने डेली व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपन। अभी भाई 8:30 बज रहे हैं, तो अभी बीच की हॉलीडेज चल रही है। अभी एग्जाम है 29 को इंटरनल मेडिसिन 2 की। और तो भाई अभी बिल्ली बाहर बैठी हुई है। मैं अभी रोटी वगैरह तो भाई देख बनाया नहीं थी जल्दी। मेरे पास कुछ चिप्स वगैरह पड़ी है, तो मैं चिप्स वगैरह खिला देता हूँ इसको। इसको चिप्स दे दिए, अपनी मस्ती से आराम से चिप्स वगैरह खा रही है। आज रोटी तो तीन भी बनाई नहीं है, तो बनाएंगे तब रोटी दे देंगे अपन। भाई एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं, अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई। कार्डियो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, थोड़ी रनिंग वगैरह और थोड़ी उछल कूद। तो भाई अब करते हैं थोड़ी सेटअप्स वगैरह। सेटअप्स वगैरह हो गई है, अब थोड़ी देर प्लेइंग करूंगा भाई। भाई नॉर्मली प्लेइंग में कर लेता हूँ, 2 मिनट तक नॉर्मली कर लेता हूँ। बाकी ज्यादा करने की कभी कोशिश की नहीं है, लेकिन नॉर्मली 2 मिनट तक हो जाती है। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 100 सेटअप्स और 60 पुशअप्स। पुशअप्स 4-5 अलग अलग प्रकार के थे, 20 उठक बैठक और 2-3 एक्सरसाइज और थी। तो भाई एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, हम नहा धो के आते हैं। तो भाई नहा करके रेडी हो गया हूँ, कपड़े भी पहन लिया और अभी भाई हनुमान चालीसा पढ़ करके निकलता हूँ लाइब्रेरी की ओर। सुमीरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जय मोहि हरु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश उजागर राम दूत अंजलि उत्तर। लो भाई अपन बाहर आ गए हैं और मौसम बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है भाई, जैसे आने वाला हो ना उस तरह का मौसम हो रहा है भाई। 10 से 15 मिनट के अंदर भी मैं लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगा, बस आने वाली है। थोड़ी देर बस स्टॉप पे जा रहा हूं मैं। है ना, नई नई गाड़ियों की सेलिंग चल रही है। सामने देख लो, सामने आपको रैमबैग बेदरा ये मेट्रो स्टेशन मिल गया। ये देखो भाई, आज का और कल का दिन बच रहा है, 2 दिन बच रहे हैं। परसों एग्जाम है, तो अराउंड 40 केस वगैरह हैं, 40 केस शायद। तो आज हो सकता है ना, तो अभी 15 या 20 केसेस को तो ढंग से याद करने ही करने हैं। Thank you.
से यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स को निकाल ली है और सामने है ना इसको सबमिट करना है बैग को। भाई 3 घंटे तो हो गए हैं, बाकी के 3 या 3.5 घंटे और पढ़ूंगा यहाँ पे। तो भाई पढ़ाई से थोड़ा बहुत बोर हो गए थे, उस साइड में आकर के बैठ गए थे। ये अपने कुणाल भाई है मेरी ईयर के अंदर, कुणाल जी भाई, तो हम दोनों साथ में हैं भाई, मतलब ये भी 4th ईयर में और ये है उदयपुर से भाई। तो कुणाल भाई अपनी आपकी किसके एग्जाम है, किस किसके एग्जाम हो गए अगर बता दो यार। भाई चलो कैमरा अपने हाथों में आ गया है, तो अपना एग्जाम है अभी इमरजेंसी सर्जरी का, अपना IM2 का एग्जाम हो गया है, अच्छा गया था और टीचर भी अच्छी थी, मार्क्स भी अच्छा है सभी के और मेरे भी अच्छा है। अब तो इमरजेंसी सर्जरी की थोड़ी बहुत टफ है बट हो जाएगा ये भी। तो अभी कौन कौन से एग्जाम बची हुई है, अभी कौन कौन सी बची है? IM1 बची, इंटरनल मेडिसिन 1 और स्पेशलाइज सर्जरी बची है। ठीक है भाई, और अभी आप इंडिया वगैरह जा रहे हो? मेरा प्लान है कि कहीं बाहर देश जाऊंगा, विदेश कौन सी जगह देखते हैं, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, तीनों की ट्रिप करते हैं। तो भाई ये बंदा बहुत ब्रिलियंट बंदा है, काम ब्रिलियंट बना रहा है भाई, रियली में इंटेलिजेंट बंदा है, मैं तो खैर पर्सनली जानता हूँ। बाकी ये बंदा है ना काफी चीजें, काफी जगह एक्सप्लोर भी कर चुका है। अगर आप अलमाटी में आ रहे हो और आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो इस बंदे को फोन कर सकते हो भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल रजनीश भाई की मेरे थ्रू मैं इसको आपकी पहचान करवा दूंगा, हर प्रकार का इसको नॉलेज है। तो सामने दिख रहा है ना आलोक रंजन है, मेरी ईयर के अंदर ही है भाई, मेरी खोली थी सबसे बदमाश और शरारती लड़का यही है आलोक भाई। इसके हर जगह बड़े बड़े चर्चे हैं भाई, देख लो आलोक देख नहीं रहा, आलोक सामने देख, हाय कर दे भाई, सबसे शरारती बंदा है कॉलेज का पढ़ रहा है भाई, रोजाना लाइब्रेरी आता है भाई। लाइब्रेरी को लीव करके आ गया हूँ और मेरे डॉम के पास वाला जो मेघनाम है इसके अंदर आ गया। मुझे कुछ सामान वगैरह लेना है, सब्जी वगैरह, बटर और कार्ड वगैरह लेने हैं भाई। ये लिया है प्याज, आलू, साबुन, हैंड वॉश, तो मैं बिलिंग वगैरह कराता हूँ भाई। लोगों 2029 तेंगे का सामान ले लिया है ये, और चलते हैं भाई अब सीधे डॉम पे। और बाहर दोस्तों बरसात वगैरह भी आ रही है फ्रेंड्स, अभी पास में एक मैगजीन है वहां से मुझे दूध भी लेना है, क्योंकि इस मैगनम पे क्या दूध महंगा मिलता है, तो वहां सीधा 30 रुपए का फर्क है दूध के अंदर। अंदर बस के अंदर था ना, तो मुझे यहाँ का एक लोकल आदमी मिला, वो सामने से नमस्ते बोलता है, तो वो बोल रहा भाई तुम इंडिया से हो? हाँ। तो उसने ये बताया कि मैं इंडिया में, पता नहीं उसने कौन से धर्म गुरु का नाम बताया, तो उसकी कहते मैं उसको मानता हूँ और कहते बहुत बड़े इंसान है, खैर वो अब तो खत्म हो गए लेकिन उनके जो कुछ गुरु चेले होते हैं ना तो वो आते रहते हैं, तो मैं ध्यान वगैरह करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह उनको देख देख के, उनको सीख सीख के, इस तरह से बताया। वैसे वो रिलीजन में मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं धर्म वगैरह को मानता नहीं हूँ, मैं एथिस्ट हूँ और मैं इंसानियत को मानता हूँ, ये बताया। तो भाई उस बंदे की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। लाइब्रेरी से लेट हो गया था, 10:15 हो गई और मेरे आते ही मैगजीन भी क्लोज हो गई है, मैं लास्ट कस्टमर था इसका, तो खैर सही हुआ टाइम पे आ गया। फ्रेंड्स आते ही मुंह वगैरह हाथ पैर धो करके मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद खाना खाता हूँ। मैं जब लाइब्रेरी गया था ना दोस्तों आटा लगा के गया था, क्योंकि मुझे पता था मैं लेट आऊंगा तो पीछे से इनको दिक्कत आ सकती है, तो मैं इस वजह से पहले आटा लगा के चला गया था। अब खाना बना हुआ है, रेडी है, तो मैं खाना खाता हूँ। उसमें मैंने जिस बंदे को बताया था ना उसका नाम अखमत था, अखमत, तो भाई वो बंदा उसके अराउंड 45 या 48 साल के आसपास एज थी उन अंकल की, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि एक मेडिटेशन सेंटर है, मैं वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करता हूँ और मतलब कि और भी जैसे धार्मिक जगह है, तो मेरे को उसने अपनी वो लोकेशन बताई है, तो मैं कभी हो सकूंगा तो उस जगह जाऊंगा तो वहाँ का भी वो लोग बता दूंगा। तो भाई यार आज तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, क्या ही बताऊं, मतलब कि दिन में भी खाना वगैरह खा के नहीं गया था, थोड़ा बहुत नॉर्मली नाश्ता किया था। जो सब्जी बनाई थी ना वो सचिन भाई को पता नहीं आज उनके अच्छी कैसे नहीं लगी, तो ये वापस से थोड़ी बहुत अपने लिए थोड़ी बहुत सब्जी बना रहे हैं, तो वही अपने लगे हुए पड़े हुए हैं।
ये सब्जी वापस से भाई वही सब्जी रिपीट हो, ये पत्ता गोभी की इन्होंने आज दाल वगैरह बनाई थी, तो दाल का तो क्या सिस्टम पता नहीं, सही बनी नहीं, क्या हुआ इसको अच्छी नहीं लगी, तो ये वापस अपने लिए पत्ता गोभी की सब्जी बना रहा है। और फ्रेंड्स मेरे जो साथी मित्र वगैरह हैं वो पढ़ाई करने के लिए लग रहे हैं, पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, हमारे प्रवीण भाई हैं, भाई इनकी एक दो एग्जाम और बची हुई। प्रवीण भाई किस किस की एग्जाम बची हुई है अब आपकी? भाई मेरी तीन एग्जाम बची हुई है, पीडियाट्रिक्स की है और एक रशियन लैंग्वेज की है, बस दो तीन एग्जाम बची है, बाकी एग्जाम मेरी अच्छी गई है, एक ऑफ गायनो की थी और एक कजाक लैंग्वेज की, दोनों भगवान की कृपा से बहुत अच्छे एग्जाम चले गए हैं मेरे, अब बाकी एग्जाम की तैयारी चल रही है, देखते हैं। तो प्रवीण भाई आप घर पे जा रहे हो इस बार, मतलब घर पे जाने का कुछ प्लान है क्या आपका, जैसे 9 दिन की छुट्टी आ रही है उनमें? नहीं नहीं इस बार घर जाने का कोई प्लान नहीं है, छुट्टियों में जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियों में घर पे। तो ठीक है भाई, हमारे प्रवीण भाई कम ही बोलते हैं लेकिन आज आपको इनको भी हमने व्लॉग में लेके आए, बहुत ही शानदार और साइलेंट बंदे हैं भाई ये। तो भाई वो अभी खाना वगैरह खाते हैं, ये सब्जी दो प्रकार की, एक दही उस टाइप दही मिक्स करी हुई है एक इस तरह से, और ये अपनी रोटियां और ये रायता, तो खाना खाते हैं भाई। मैं और सचिन, प्रवीण और अजयपाल लांबा पहले खा लिए थे क्योंकि मैं लेट आया हूं ना, तो इस वजह से सचिन खाया नहीं था भाई। ठीक है फ्रेंड्स, अपन आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले दिन, तो तब तक के लिए बाय और गुड नाइट, और अच्छी आपकी हेल्थ के लिए कामना करता हूँ।